आप तमाम नाज़रीन को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का आदाब व सलाम। आज मैं वादिय चिनाब के उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ अलग से कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि मौजूदा दौर में अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ गई है कि हर कोई इंसान जो एजुकेशन पा रहा है, जो तालीम हासिल कर रहा है, उसे यही उम्मीद रहती है कि कल मुझे कोई सरकारी नौकरी हासिल हो। और मुझे काफी हैरानगी हुई कि आज ही के दिन फोर्थ क्लास की जॉब के लिए 4 लाख नौजवान जो है वो अपीयर हो रहे हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि किस हद तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है हम तालीम हासिल करते हैं जॉब पाने के लिए, और एक होता है कि हम तालीम हासिल करते हैं जॉब देने के लिए। यानी एक लोग वो होते हैं जो जॉब सीकर्स होते हैं, और एक लोग वो होते हैं जो जॉब गिवर्स होते हैं, और उनकी बहुत कम तादाद होती है, और वो रिवायत से बगावत करके ये मकाम हासिल करते हैं। ऐसे ही रिवायत से बगावत करने वालों में एक नाम है मकसूद अहमद साहब का, जो इस वक्त निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत नौजवान आदमी हैं, और इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप कंट्रीज़ जो हैं, उनमें कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एजुकेशन काउंसलिंग का काम करते हैं, और नौजवानों को गाइडेंस देते हैं कि उन्हें किस कोर्स में जाना चाहिए, किस कोर्स में नहीं जाना चाहिए, किस कोर्स का ट्रेंड जो है इस वक्त मार्केट में हो रहा है, और उन्हें किस चीज़ में फ़ायदा है। तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ये काउंसलिंग दे रहे हैं, और इस वक्त जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनमें एक अहम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभरी है। निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप न सिर्फ काउंसलिंग का काम करती है, बल्कि हर साल हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ये एजुकेशन समिट भी कराते हैं। मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस बार जो समिट हो रहा है, निज़ामिया एजुकेशन समिट, वो जम्मू कश्मीर के चनाब खित्ता के डोडा इलाके में हो रहा है, और ये समिट 7 मार्च 2021 के रोज़ डोडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में वाका कम्युनिटी हॉल में मनक्किद होगा। और इसमें कई बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जिला डोडा के, जिला रामबन के, जिला किश्तवाड़ के, और इसमें जो मुखातिब होंगे बच्चों के साथ वो आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात हैं, जिनमें कई कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान हैं, कई प्रो वाइस चांसलर्स हैं, और लोगों को ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इस निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप के हैं, मकसूद अहमद साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे भी दावत दी, मुझे भी इस लायक समझा कि मैं इस समिट के अंदर एजुकेशन पॉलिसी पे बात करूं। और इंशाल्लाह मैं भी 7 मार्च को वर्चुअल तौर पर मैं आपके सामने आऊँगा, और एजुकेशन पॉलिसी पे इंशाल्लाह कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा। मैं इस मौके पर जो मकसूद अहमद साहब हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब खित्ता की तरफ से कि इस तरीके का प्रोग्राम पहली बार जनाब खित्ता के अंदर हो रहा है और वो मुनक्किद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप ने इस बार एक बड़े स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, और इस ज़मन में उन्होंने एक टेस्ट मुनक्किद करना है जो 7 जून 2021 को मुनक्किद होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का एक बाजाबता प्रोसेस है, मैं एक नंबर जो है वो स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस नंबर पे एक मिस कॉल दें, और फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उनके लिए खुल जाएगा, और उसके बाद उन्हें फ़ोन कॉल आएगी और उनकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स उस टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे उनको कई तरह के इनामात दिए जाएंगे, और सबसे बड़ा इनाम जो है वो कैश प्राइज भी है, और कुल मिला के जो इनाम हैं वो 5 करोड़ रुपए के हैं। स्कूटी का इनाम रखा है, लैपटॉप्स, कई लैपटॉप्स का इनाम रखा है, और इसके अलावा कई और बैग्स हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के पास करने के बाद दिए जाएंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे
इलाके के बच्चों के लिए, न सिर्फ हमारे इलाके के बच्चों के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान और पूरे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तमाम बच्चों को इस नंबर पे मिस कॉल देना चाहिए और अपने रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए 5 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप के लिए। मैं एक बार फिर मकसूद अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ज़िला डोडा, ज़िला रामबन और ज़िला किश्तवाड़ के तमाम स्कूलों के तलबा को मैं दावत देता हूँ निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप की तरफ से कि वो 7 मार्च 2021 के रोज़ कम्युनिटी हॉल डोडा में जो प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है उस प्रोग्राम में शिरकत करें और इससे फ़ायदा हासिल करें, इससे मुस्तफीद हो जाएं, क्योंकि ये बहुत अहम प्रोग्राम है और इस तरीके का अहम प्रोग्राम पहली बार जनाब खिता के अंदर हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।